नमस्कार, मैं हूं आपका अपना विनय आनंद और आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग कभी कभी अपने बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज करते हैं। इतना नजरअंदाज करते हैं कि यही गलतियां एक दिन चिंगारी बन जाती है और यही चिंगारी एक दिन आग का रूप लेकर अपने ही घर को फूंक डालती है। जी हां, आज मैं आप लोगों को पुलिस फाइल्स में ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनते ही आप लोगों का दिल दहल जाएगा। यह कहानी है बिहार के आरा जिले की, जहां भागीरथ जी अपने पूरे परिवार के साथ रहते थे। भागीरथ जी के परिवार में उनकी पत्नी जमुना, बेटी कविता और अय्याश बेटा सुनील रहता था। हम तो सोच लिए सुबह सुबह पुआ पकवान बनाकर सीधे तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे और उसके बाद तुम्हारे चेहरे का वो हाल करेंगे कि तुम खुद का चैन नहीं पाओगी। अच्छा, तुम्हारे घर का काम तो जल्दी खत्म हो जाएगा, पर हमारे घर में काम दोपहर तक चलता है। खबरदार जो उसे पहले आई तो। ये क्या का मतलब हुआ? हाँ, तुम्हारे घर का काम खत्म नहीं होगा तो क्या हम होली नहीं खेलेंगे? ये सब नहीं चलेगा। और वैसे भी होली खेलने का असली मजा तो सुबह से ही आता है। अरे हाँ, एक बात तो बताना ही भूल गए हम तुमको। भूलोगी ना, बकवास करने से फुर्सत मिले तब ना। अभी मारेंगे ना हम तुमको। अरे हाँ, याद आया, बाबूजी के खाना खाने का टाइम हो गया है तो हम चलते हैं। अरे रुकना, चाची जी है ना घर पर? है, पर हमें भी जाना होगा ना। शाम को मिलते हैं, चल। हाँ कविता। अरे ये सुनील के रोटी में घी काहे नहीं लगाई हो? लगाए है ना बाबूजी, देखिए ना। ये घी है इतना सा? अरे सुनील का ब्याह होने वाला है। अरे मोटा होकर ना जाएगा ससुराल? इतना से लगाओगी तो कैसे मोटा होगा? अच्छा बाबूजी, हाँ, अब हम भैया की थाली में पूरा घी का डब्बा ही डाल देंगे ताकि भैया मोटा हो जाए। खा खा बेटा खा। हाँ जी, वो क्या हुआ जगदीशपुर वाले लड़के का? तुम्हारा भाई कुछ खबर क्या कि नहीं? क्या खबर दे, हमें तो पहले ही पता था, ना कर दिया ना। और का कहे कहे ना कर दिया? जैसे आपको तो कुछ हो पता ही नहीं इस सुनील के कारनामे के बारे में। आपको छोड़ के ना पूरा गांव जानता है कि का करता रहता है, चोरी चकारी, रात भर दारू पीना, जुआ खेलना। इसके अलावा इसे कुछ और आता है का? कौन देगा इसे अपनी छुरी? अरे भर फागुन बुढ़वा देवर लागे भर। होली मुबारक भाई रवादीर। काल चाल बाबूजी। हाँ बेटा, ये लीजिए नाश्ता। अरे वाह वाह वाह, ये लीजिए भैया, नाश्ता भी आ गया। देखिए पुआ पूरी यार खाइए महाराज। अरे होली का दिन है, लीजिए। लाओ ना अम्मा, हम कर देते। लाओ इधर लाओ। जोगीरा पायल बिटिया, ये क्या कर रही हो? पूरे चौका में गुलाल हो जाएगा। चौका में होली मत खेलो, खाने में पूरे में गुलाल गुलाल हो जाएगा। जाओ जाओ, चलो बाहर जाके होली खेलो, चलो। अरे चाची, हम तुम पर तो रंग नहीं डाल रहे हैं ना। ये कविता की बच्चे से कहो कि हमारे साथ बाहर चले, वरना हम ना ही कोई यहीं पर रंग लगा देंगे, फिर चाहे जो भी हो। नहीं नहीं रुको, हमारी बात तो सुनो। कविता तुम्हारे साथ आएगी, जाओ कविता बाहर जाओ, चलो। नहीं अम्मा, अभी बहुत काम पड़ा है। कविता की बच्ची, हाँ डालेगा हम तुम पर रंग? हाँ, बहुत ही काम वाली बन रही हो, जैसे कि हम सब तो यहाँ निठल्ले बैठे हैं। चलो तुम जाओ कविता। बेटा इस पागल का कोई भरोसा नहीं है, पूरी रसोई में गुलाल कर देगी, तू जा। चल अच्छा, चलो चलो। कविता बेटा। हाँ अम्मा। अपना ध्यान रखना है। अच्छा अम्मा। अरे चाची चिंता मत ना करो, हम है ना। चल होली है। वाह
जीत गया हम, मजा आ गया। क्या जीत गया मैं? हाँ? क्या जीत गया? हम कहाँ हैं? भई हम खेलेंगे। कान फूटा नहीं, मैदान चढ़ाने आ गए। मिंटो। भैया। बैग बना। भैया। अब तू देख और गिन। अरे देव। ले, क्या बोल रहा था बे? अरे क्या बोल रहा था तू? कौन जीता? कौन जीता? मैं जीता, मिंटो मैं जीत गया। माफ कर दीजिए भैया, वो काहे है कि हम देखे नहीं थे आपको। शाम को मिलते हैं भाई। छोड़ देंगे। ये क्या कर रहे हो? धीर को, अरे भाई भांग मत पिलाओ, मत पिलाओ, दिमाग भकवा गया हमारा। अरे कहाँ सुनी लो ये कविता, आए नहीं काउ दोनों? बाप ने भांग पी है, वो भी तो कुछ पिया होगा ना। ऐसे बनती है आप लोग की होली? कह देते हैं भोगिएगा एक दिन। अरे होली के दिन तो कुछ अच्छा बोला करो, आ जाए। मतलब अभी भी अच्छे से बोले? देख लिया कैसे लड़खड़ा रहा है तुम्हारा बेटा, पैर भी नहीं रख पा रहा है जमीन पे, हालत देखी उसकी? पर ये कविता कहाँ रह गई, अभी तक नहीं आई? अरे होगी वही पायलिया के घर पे, आने दो आज जमाते हैं दो तीन झापड़ उसको। अब जाती है पगली। Thank you.
देखिए ना क्या हुआ है हमारी कविता को। चल तू, अरे चल ना तू भी। अरे क्या हुआ, सच सच बता, कहां से मुंह काला करवा के आ रही है, बोल। क्या कह रहे हैं आप, एक तो वो खुद ही परेशान है, ऊपर से आप उलूल झुलूल सवाल किए जा रहे हो उसे। बोलना बेटी, क्या हुआ बेटी? अरे सुनील की माँ, अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग कहाँ गया है तुम्हारा? देखो देखो क्या हुआ है इसके साथ, जैसे नहीं बोलेगी अरे गर्दन तोड़ देंगे तुम्हारा। कौन बोला था तुमको, अरे कौन बोला था मुंह पे रंग लगा के पूरा गांव घूमने के लिए? काहे गई थी बाहर? ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती। पगलाए गए हो क्या? अभी भी होश में नहीं आए? अरे सगी बेटी है आपकी ये, उनको काट के भी फेंक दोगे ना तो हम कुछ ना कहेंगे। उनको मारने की बजाय इसको मार रहे हो, मारना है तो उनको मारो जा करके। सब तुम्हारे कारण हुआ, तुम ही मन पढ़ाई हो इसका, इसको समझाओ कि भूल जाए इसको, समझी? अगर बाहर पता चला ना तो सर उठा के चल भी नहीं सकते हम लोग, और सुनीलवा का ब्याह भी नहीं होगा। अगर ऐसा हुआ ना तो तुम दोनों माँ बेटी को काट के काट देंगे वहीं पे, समझी? समझाओ इसको कि भूल जाए। सामाजिक होना, पढ़ा लिखा होना या रिश्तों के दौर को समझना, ये ऐसी चीजें हैं जो इंसान को जानवरों से जुदा करती हैं। सुनील का गुनाह पूरी मानवता को शर्मसार करने के लिए काफी था, पर सुनील के गुनाहों के बाद उसके पिताजी ने जो किया वो सुनील के गुनाहों से ज्यादा था। सुनील के गुनाहों को छिपाया, क्या ये उससे भी बड़ी गलती नहीं थी? इस घटना के बाद भी भागीरथ ने अपने बेटे की गलतियों को नजरअंदाज किया, नतीजा सुनील को कोई अफसोस नहीं था उसने क्या किया, ना अफसोस था ना दुख था। और दूसरी तरफ कविता जो कि एक जिंदा लाश बन के रह गई थी, कविता को उसकी माई ने समझाया कि जो भी घटना घटी है उसे भूल जाए, लेकिन कविता इसे भूल ही नहीं पा रही थी। और होना क्या था, कुछ महीनों बाद रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया। रक्षाबंधन के त्यौहार में जहां सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए बेताब थी, वही रक्षाबंधन का त्यौहार कविता के लिए जख्म में नमक लगाने के बराबर था। आइए देखिए। इसको तो भगा दिया, तुझे कौन बचाएगा? बिटिया खाना क्यों नहीं खा रही? अब बस भी करो, का कोई खुद को इतनी सजा देता है का? इतने दिन बीत गए, कुछ दिन और सही, हम सुनील का ब्याह कर देंगे, फिर तुझे भी तेरे ससुराल भेज देंगे। तब तक तो अपनी माँ से हस्पत्या लो बेटा, थोड़ा सा खा लो,
लो हम खिला देते हैं। खाली क्या हुआ? अरे बंद नहीं हुआ ड्रामा अभी तक इसका, कब तक चलेगा ऐसे? काहे इतना गुस्सा रहे हो? ये तो क्या करे, आरती उतारे तुम लोगों का, अब बाहर जो मेहमान लोग इंतजार कर रहा है राखी बनवाने के लिए लोग बैठे हुए हैं। कह दो उनसे कविता बीमार है और हम उसकी देखभाल कर रहे हैं और हम अपना नाक कटवा ले, है ना? जब ये बोलेंगे तो वो लोग देखने के लिए अंदर नहीं आ जाएंगे, तब क्या होगा? तनी किसकी हालत पे तो तरस खाओ जरा। देखो जैसा कह रहे हैं ना वैसा करो, नहीं तो तुम दोनों माँ बेटी को काट के यही गाड़ देंगे। एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो और इसको बोल के आओ कि जल्दी तैयार होके बाहर आए। चलो कविता बेटा, भैया को राखी बांध, भैया सवेरे से भूखा है। चलो बेटा। उसे मारी, उसको तो भगा दिया, तुझे कौन बचाएगा? चली गई तुम्हारी वो पागल अम्मा, पकड़ के काई नहीं लाए, पता नहीं कौन से बिल में घुस गई, सारा गांव देख लिया। चले जाने दीजिए, पहले इसे निपटाते हैं, उनको बाद में देख लेंगे। ए! हाथ मत लगाना हमारी बिटिया को, कह देते हैं हाथ काट के फेंक देंगे तुम दोनों का। इंस्पेक्टर साहब ले जाओ इन्हें, अब इनका मूवी देखने को हमारा दिल नहीं करता है। इन दोनों ने हमारी बिटिया को मारा है, हमारी बिटिया को इन दोनों ने मारा। ले जाओ साहब इन्हें, ले जाओ यहाँ से। अरे क्या कर रही हो? अरे अरे कविता भी कहाँ? लेती
वक्त की नजाकत और बच्चों की हरकत दोनों पर नजर रखनी चाहिए, नहीं तो एक चूक आपके बच्चों के साथ साथ आपके पूरे परिवार को डुबा सकती है। पुरुष प्रधान समाज में रहकर भी जमुना जी ने अपने बेटे के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। मैं जमुना जी के इस जज्बे को सलाम करता हूं। अदालत ने सुनील के गुनाहों को मानवता के खिलाफ शर्मसार पाया और सुनील को उम्र कैद की सजा सुना दी। सुनील को ही नहीं, उसके पिताजी भागीरथ जी को भी सुनील के गुनाहों को छुपाने के लिए और अपनी बेटी कविता को आत्महत्या करने पर मजबूर करने के लिए 5 साल की सजा सुना दी। हमारे रिश्तों की बुनियाद इतनी भी कमजोर नहीं कि एक घटना से हिल जाए, लेकिन हां, अब सोचने का वक्त आ गया है। तभी तो हम आप सभी लोगों से कहते हैं कि सोच बदलें तभी समाज बदलेगा। मैं विनय आनंद फिर हाजिर होऊंगा सच्ची कहानी और सच्चे